नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज हम आपको बताएंगे रविवार के दिन करने के लिए कुछ उपाय। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए अपडेट्स मिलते रहें। आपने ये तो सुना होगा कि शनिवार को पीपल के पेड़ को जल देने और दीपक जलाने से शनि का आशीर्वाद मिलता है और शनि की 7:30 से राहत मिलती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रविवार को भी पीपल के नीचे दीपक जलाने से कई लाभ होते हैं। रविवार को पीपल के नीचे दीपक जलाने से पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। दिन छिपते समय रविवार को पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाने से धन, वैभव और यश में वृद्धि होती है। नौकरी पेशा व्यक्ति की ऑफिस में स्थिति अच्छी होती है। ये आश्चर्यजनक है पर सच है कि रविवार को ये उपाय करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपनी छत्र छाया बनाए रखते हैं। वहीं व्यापार वाले के काम में भी बढ़ोतरी होती है। रविवार के दिन करें काले वस्तुओं का दान। रविवार के दिन किसी भी चीज़ के बुरे फल को दूर करने के लिए काली चीज़ों जैसे कि उड़द की दाल, काला कपड़ा, काले तिल और काले चने का दान करने से आपके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। काले कुत्ते को खिलाए रोटी। रविवार को काले कुत्ते को रोटी, काली गाय को रोटी और काली चिड़िया को दाना डालने से जीवन की रुकावटें दूर होती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि रविवार के दिन तेल से बने पदार्थ गरीब व्यक्ति को खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। पैसों की तंगी को दूर करने के लिए उपाय। रविवार रात को सोते समय एक गिलास दूध भरकर अपने सिरहाने रखें। सोमवार को सूर्योदय से पहले उठे और स्नान आदि से निवृत्त होकर दूध को बबुल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। 7 या 11 रविवार यह टोटका करने से आपके यहाँ धन धान्य की वृद्धि होगी। पद और प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए रविवार का दिन सूर्य भगवान का माना गया है। प्रत्येक रविवार सूर्य का व्रत करने से व्रत करने वाले को नौकरी में उच्च पद और प्रतिष्ठा हासिल होती है। रोग से मुक्ति। इसके अलावा रविवार को व्रत करने से आपको नेत्र व चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। ये थी जानकारी कि रविवार के दिन आप कैसे कुछ उपाय कर अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं इस बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।